देश बचाओ बीजेपी को भगाओ, बीजेपी नरेंद्र मोदी तो झूठा है क्या, देश बचाओ बीजेपी को भगाओ, बीजेपी तोड़वा दिया, मैं जो बीजेपी तोड़वा दिया। नोटबंदी के रूप में एक बहुत बड़ा घोटाला का सृजन किया और जीएसटी के रूप में उन्होंने मध्यम वर्ग के व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज कोलकाता के अर्मेनियम घाट पर हम मौजूद हैं और ये खास प्रोग्राम है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है और सरकार है अलग अलग तरीके के वादे करती है, अलग अलग चीज़ें देने के वादे करती है। जनता को घर देने का वादा किया जाता है, छात्रों को पढ़ाई लिखाई का वादा किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या होती है ये न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार आप तक पहुँचा रही है। कोलकाता की पल पल की अपडेट, जो इलेक्शन अपडेट है वो आप तक पहुँचाई जा रही है। ऐसे में अर्मेनियम घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक खबर सामने आती है जहां पर केंद्र सरकार के आदेश के बाद एक ट्रस्ट की जमीन थी जहां पर कुछ लोग बेसहारा लोग थे, झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद उसको तोड़वा दिया गया था और टीएमसी के लोगों ने इन बेसहारा लोगों का सहारा बनकर वो आगे आए हैं और सहारा बनने के बाद इनकी झोपड़ी जो बनी हुई थी, जो टूट गई थी माफ कीजिए, उनको फिर से बनाया गया है और यहाँ पर इनका सहारा इनको दिया गया है। यहाँ पर यह पूरा वाक्य क्या है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, यहाँ के ही लोगों से जानते हैं, यहाँ पर वार्ड प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं पूरा घटनाक्रम क्या था। देखिए, यहाँ पर एक रेलवे ओवरब्रिज था और उसके अगल बगल यहाँ पर बहुत सारे लोग पचासों साल से रहते थे। रेलवे ब्रिज को तोड़ने के नाम पर यहाँ पर केंद्र की ये जो यहाँ पर जो एजेंसी थी उसने क्या किया कि उनका घर को भी तोड़ दिया। घर के तोड़ देने के बाद दो लोग अब घाट पर सोने लगे, इधर उधर सोने थे, उनको तकलीफ होने लगा, वही उन लोगों का आस्थाना था। फिर हम लोगों के निर्देश आया पार्टी की तरफ से, MLA के तरफ से, कि आप लोग जो है इसको देखिए, इन लोगों गरीबों का कहीं ये होने, तो हम लोगों ने फिर सबके साथ मिल करके यहाँ पर इन लोगों के लिए झोपड़ियाँ बनवा दी। ये जो ये जितने लोग थे जो पहले यहाँ रहते थे वो फिर जो है उनका पुनर्वास हो गया। हमारा ये है कि यदि सरकार कहीं से किसी को उजाड़ेगी तो विकल्प व्यवस्था तो करेगी, अल्टरनेटिव तो देना होगा। आप किसी को आस्थाना हो, बीजेपी ने नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं किया, नथिंग। लेकिन अब तो सरकार ये कह, बीजेपी ये कह रही है बार बार कि हम बंगाल में चुनाव जीतेंगे और लोगों तक हर सुख सुविधा पहुँचाएंगे। बंगाल में उनको 60-70 सीट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बात होगी, वो चुनाव जीतने की बात करते हैं। बंगाल की पब्लिक राजनीतिक रूप से पूरा कंसर्सफुल है। यहाँ पर उनका झूठा वादा यहाँ के लोग जुमला वाला समझते हैं, 14 में इन्होंने जो कहा हुआ आज तक पूरा नहीं किया, यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। और ख़ास करके ऐसे इलाकों में जहाँ ये जैसे ये वार्ड 45 है, ये हिंदी भाषी इलाका है, हिंदी भाषियों के लिए उनका मैनिफेस्टो कल का उठा कर देखिए, बंगला वो 10 क्लास तक अनिवार्य करेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। जिस राज्य में रहेंगे मैंने हम लोगों का त्रिस्तरीय भाषा, त्रिभाषा का फार्मूला था, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि राज्य के भाषा को मानना चाहिए, लेकिन आपने हिंदी भाषियों के लिए अपने मेंबर उसका कोई जिक्र ही नहीं किया, हिंदी भाषियों का कोई जिक्र नहीं, कोई ये नहीं। ममता बनर्जी ने हिंदी विश्वविद्यालय बनाया है, हिंदी में प्रश्न पत्र को देखिए, इसके पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार रही थी लगातार, 34 साल वामफ्रंट की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषी माध्यम, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी जो प्रश्न पत्र आते थे वो अंग्रेजी में आते थे। ठीक है प्रेसिडेंट साहब, इस बार तो घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है, बार बार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सुनार बांग्ला नहीं बनने देती हैं, बंगाल की जो एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसके आड़े आ जाती हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भैया ममता दीदी ने बहुत काम किया है, तो बीजेपी ऐसा क्यों कुछ कह रही है? बंगाल का डेवलपमेंट आप आकर के देखिए, जाकर रास्ते में देखिए, बंगाल का हर गांव इलेक्ट्रिफाइड है आज। ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट का नारा लेकर आते हैं, ये हमको बताएंगे गुजरात इनका 100% इलेक्ट्रिफाइड हुआ है क्या? गुजरात भी अभी 100% इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ है, जो हमारा बंगाल हो चुका है। बंगाल कृषि के मामले में 1 नंबर में है, यहाँ कृषकों की आमदनी जो है सो ऑलरेडी 2.5 गुना बढ़ चुकी है, ये अभी जो है सो 1.5 गुना 2 गुना बढ़ाने की बात करते हैं। बंगाल के कृषि देखिए, बंगाल में 4 हेक्टेयर जमीन को 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन को 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन को एक फसली था उसको 2 फसली के रूप में कन्वर्ट कर दिया है ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने। ममता दीदी से खुश हैं आप?
एक बहुत कुछ हम पूरी जनता। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपने सुना कि झोपड़ी तोड़ दी गई थी लेकिन टीएमसी के सहारे के बाद अब वो लोग फिर से घर में रह रहे हैं, उनकी हकीकत भी आपको सुनवाएंगे, उनके मुंह से ही सुनवाई जाएगी, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अब इलेक्शन बहुत पास आ गए हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है। बीजेपी आरोप लगाती है टीएमसी पर, टीएमसी आरोप लगाती है बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि हम जैसे ही बंगाल में आएंगे और अगर हम जीत जाते हैं तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में कर देंगे। बड़े ही ताज्जुब की बात है और बड़े हास्यास्पद वो बात करते हैं, कहते हैं कि मैं जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में कर दूंगा। ठीक है, तो जो 14 में जो उन्होंने वादा किया था कि 70 साल 60 साल में जो अतीत में जो सरकारें ने दिल्ली सरकार नहीं की हम करेंगे, हाँ उन्होंने किया। क्या किया? नोटबंदी के रूप में एक बहुत बड़ा घोटाला का सृजन किया और GST के रूप में उन्होंने मध्यम वर्ग के व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी, ये कार्य उन्होंने जरूर किया। और मोदी हो चाहे अमित शाह हो, और एक बड़े ही और हास्यास्पद बात बताऊं कि एक प्रधानमंत्री अपने स्टेटस और अपने गरिमा को भुला करके एक राज्य के पश्चिम बंगाल के राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कहा जाता है कि 2500 से 3000 बार यहाँ की यात्रा करने वाले हैं, जनसभा करेंगे, क्या कमी है? क्या उनके यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई भाजपा का नेता नहीं है? ममता बनर्जी के समकक्ष कोई ऐसा नेता है? यदि रहता तो क्या मोदी जी को 25 बार यहाँ जनसभा करना पड़ता? हर जिला में भी दो विधानसभा जो चुनावी सभा करनी पड़ रही है, क्या कारण है? लेकिन ऐसे में अब तो मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से वो भी घोषित नहीं किया गया, इस बारे में क्या सोच है? क्या घोषित कैसे कर देंगे वो, जिनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा हो, 294 सीट का उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा हो, वो आदमी कहे कहाँ से आपको बताइए कि मुख्यमंत्री का घोषणा कर देगा? और हाँ एक बात बताऊँ कि उम्मीदवार घोषित करते हैं दूसरे दल के लोगों को लेकर के, और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो अमुक पार्टी में था और हूँ और रहूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपने सुना कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा बीजेपी पर, ना जाने क्यों, वजह क्या है? क्योंकि भैया बीजेपी तो बार बार ये कह रही है कि सुनार बांग्ला बना रहे हैं हम, बहुत अच्छा बांग्ला होने वाला है, तो हर्ज क्या है? कौन से सुनार बांग्ला की बात कर रहे हैं? बनारस को क्योटो बना दिया अभी तक तो नहीं बना बनारस। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, बंगाल के सुनार बंगला करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बार बार आकर यहाँ बंगाल में क्या डबल इंजन सरकार की बात करते हैं? कौन सा डबल इंजन सरकार यहाँ चलाएंगे? सरकार तो चला रहा है केंद्र में, केंद्र के ही तो दायरे में आता है पश्चिम बंगाल, कोई बाहर तो है नहीं, दूसरे देश में नहीं है। तो आप अगर डेवलप ही करना चाहते हैं बंगाल को तो यहाँ की सरकार को सहयोग कर भी कर सकते हैं, वो तो कभी करते नहीं हैं। अम्फान में बुलाया जाता है तो आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, दायरा करके 1000 करोड़ रुपया दे के चले जाते हैं, उससे क्या होता है? कितने बेरोजगार, कितने का रोजगार अम्फान में चला गया, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन 1,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसमें 1000 करोड़ का आप जो मजाक करके जाते हैं यहाँ की जनता के साथ, बोलते हैं सोनार बंगला बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा, लेकिन सबसे जो मुख्य बात है, जो टीएमसी ने इन लोगों को सहारा दिया है, इनके झोपड़े फिर से बनवाए हैं, तो आखिरकार जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि भैया हम तो आवास योजना जहाँ पर लागू की जाएगी आवास दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो पहली आवास तोड़े जा रहे हैं। कोई आवाज नहीं, यहाँ तो जाति के नाम पर एक भाई को दूसरे भाई से बांटा जा रहा है। ये बंगाल की धरती है, बंगाल का धरती में बंगाल का कोई भाईचारगी में भेदभाव नहीं है। हम लोग पहले हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, अभी बीजेपी क्या कर रहा है, हम लोग को भाई भाई को बांट दे रहा है। ये बांटने का काम यहाँ नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ऐसा मुख्यमंत्री है, हम लोग और भी पाँच साल देखना चाहते हैं। काम भी बहुत किए हैं, आज बंगाल में पूरे घूम करके देख लीजिए, जयपुर नज़र आता है, दूसरा जयपुर यहाँ बंगाल में बन गया। जैसा ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने से पहले बोली थी उसी तरीका से काम हो रहा है। आज है हम लोग का गाड़ी घोड़ा का धंधा है, गत्ती धारा दिया, जो गरीब आदमी को है 1,00,000 1.25 लाख रुपया वो सरकार की तरफ से फ्री में मिला। इसमें क्या होता है कि गरीब आदमी 1,00,000 रुपया का सरकार की तरफ से आ गया तो
कोई भी गरीब आदमी गाड़ी लेके कमा खा रहा है, 10 आदमी का परिवार चल रहा है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आपने सुना, अब ये देख लेते हैं कि टीएमसी सरकार की तरफ से इन गरीबों के लिए क्या कुछ सहायता दी गई है। चलिए आपको झोपड़ी का एक बार नजारा दिखा देते हैं, वहीं लिए चलते हैं, वहीं के लोगों से बात करेंगे कि टीएमसी ने कितना सहारा वहां के लोगों को दिया है, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने जो आवास योजना की बात करती है कि आवास दिए जाएंगे, तो पहले आवास क्यों तोड़वाए गए। चलिए एक नजारा दिखवाते हैं आपको। तो चलिए सीधा आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब टीएमसी की मदद से यहाँ पर अब झोपड़े बना दिए गए हैं और रहने की सभी व्यवस्था कर दी गई है। अब क्या कुछ मदद आपको टीएमसी की तरफ से मिली गई है? हम लोग का 4 महीने पहले पूरा ब्रिज पूरा तोड़वा दिया था। हम लोग बहुत कष्ट घाट में था। हम लोग को हेल्प नहीं किया। टीएमसी वाला आके नैना दीदी भेजवाए आदमी पांडे जी को और शैलेश भैया को, वो लोग आके फिर हम लोग को घर यहाँ पर बनवा दिया। घर बनवा दिया गया है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहले था, 4 महीना पहले बहुत दिक्कत था। धूप था, बरसात था, खाने में दिक्कत था, घाट पे रहा, गंगा घाट में था। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में किसान बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, और बंगाल में महिलाएं सड़कों पर आ गई थी, लेकिन टीएमसी ने सहारा दिया है। और भी जानने की कोशिश करेंगे, अब चुनाव आ गए हैं, तो अब किसको वोट दे रही है? दीदी को वोट। दीदी एक वोट में जीतेगा तो जीतेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर खेला हुआ के नारे लग रहे हैं, तो साफ तौर पर अंदेशा हो जाता है कि आने वाले समय में क्या कुछ नया होना है। नया तो शायद यही होगा कि यहाँ पर अब टीएमसी की सरकार फिर बन सकती है, क्योंकि लोग बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ अब तक पहुँचा रहे हैं। महिला कुछ और भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अब एक बार मोदी जी को चांस दीजिए ना, एक बार मौका दीजिए। बीजेपी तोड़वा दिया। बीजेपी ने अपना आपका घर तोड़वाया? हमारा घर उजाड़ दिया, बीजेपी ने उजाड़ दिया। 4 महीना 40 साल से हम लोग यहाँ पर है। बचपन से 3 बच्चा का माँ हो गया, आज तक ब्रिज नहीं टूटा। लेकिन बीजेपी जब से आया हम लोग को क्या कह रहे हैं भाई साहब? दीदी का पार्टी हम लोग घर दिलाया। तो दीदी का सहारा इन लोगों को मिला है। अब चुनाव में बहुत कम दिन नजदीक रह गए हैं। मोदी सरकार ये कह रही है कि सुनार बांग्ला बना देंगे, तो एक बार मौका दो। वो अपने पहले बांग्ला देखे, क्या कह रहे हैं? सुनार बांग्ला कैसे बनाएगा? वो कह रहे हैं बनाने की नहीं, ऐसे ही हम लोग को सुना बांग्ला है, ऐसे ही रहने दीजिए। हम लोग का जरूरत नहीं है सुना बांग्ला का। इस तरीके से आपने देखा कि नाराजगी बहुत है बीजेपी को लेकर। और भी यहाँ पर सज्जन हमारे संग मौजूद हैं, प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पर और लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, तो बड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर, लेकिन साइलेंट वोटर बहुत हैं बीजेपी के, तो ये सुनने को आ रहा है कि साइलेंट वोटर जो होते हैं वो चुपचाप जाके वोट दे देंगे बीजेपी को। सुनिए, साइलेंट वोटर कौन लोग होते हैं? ये जो आप कहते हैं कि बीजेपी के लोग साइलेंट हैं, साइलेंट वो लोग नहीं है। हमारे ये लोग तो चूंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये लोग मुखर हो गए। साइलेंट वोटर सबसे ज़्यादा हमारे हैं, साइलेंट वोटर उनके नहीं हैं। उनके तो मुखर वोटर, वो तो पैसे का खेल खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता क्या? ना, बंगाल में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, नहीं। चलिए ठीक है, एक मुस्लिम शख्स हमारे संग मौजूद है, इनसे ही पूछ लेते हैं, बंगाल में हिंदू मुस्लिम? हम लोग देखिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों आदमी हैं, अलग नहीं होंगे हम लोग, चाहे जितना बीजेपी चाह ले। वो दीदी मुस्लिमों को बहुत प्यार करती हैं। अरे हर पार्टी, दीदी तो नंबर वन गई, हर पार्टी प्यार करती है बीजेपी छोड़ करके, वो चाहिए नहीं हम लोग को। एक बार मौका दो तो सही हो ना। एक बार क्या, 14 से मौका है अभी तक, कई साल गया, आपका मौका। बीजेपी को भगाओ, क्या कह रहे हैं? देश बचाओ, बीजेपी को भगाओ। बीजेपी नरेंद्र मोदी तो झूठा है क्या? देश बचाओ, बीजेपी को भगाओ ना लगा, झूठा है वो। वंदे मातरम। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को भगाओ, देश बचाओ। अब ना जाने इतनी व्यवस्था क्यों चरमरा गई है, और अब इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गए हैं, लेकिन अब घोषणा पत्र, सभी लोगों से मेरा सवाल है कि घोषणा पत्र बीजेपी ने अब यहाँ पर दे दिया है, और ना जाने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सुविधाएं हैं, यहाँ पुरुषों के लिए सुविधा दी गई है, नौकरी का सबसे बड़ा बात जो है वो नौकरी का वादा कर दिया गया है कि बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं? नौकरी की बात करते हो, 2 लाख पद नौकरी, सुनिए, 2 लाख पद नौकरी रेल में खाली पड़ी हुई है विगत 4 सालों से, और 3 साल पहले सारी परीक्षाएं होकर के आज तक उसका कोई रिजल्ट, कोई निवारण नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे।
ठीक है क्या कह रही है जी। उस दिन कौन सा भाजपा नेता या भाजपा कार्यकर्ता इन लोग के बीच में खड़ा हुआ, आप इन लोग से पूछिए। ठीक है, आप क्या कह रही थी? नौकरी देने की बात हो रही थी। नौकरी देने का जो बात हो रहा है, हम लोग को नौकरी का जरूरत नहीं, हो 2 रुपया किलो चावल मिल रहा है वही खा के बाद जिंदगी काटा देंगे, और कोई बात नहीं है। तो मतलब दीदी के राज में खुश है? दीदी का राज में बहुत खुश है, दीदी रहेगा, बीजेपी नहीं चाहिए। बांग्लार में के हमरा चाहिए, बांग्लार में के हमरा चाहिए, बंगाली में के चाहिए। बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, बंगाल को परिवर्तन नहीं चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए, जैसा हम लोग खुश है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक आपको चलिए घर भी दिखाई देते हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो कि आखिरकार टीएमसी ने क्या कुछ इनके लिए मदद की है, क्या कुछ इन तक सुविधा पहुँचाई जा रही है? क्योंकि बीजेपी से तो बड़ी नाराजगी है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये पूरा घर, और देखिए टीएमसी ने खासकर ममता दीदी के आदेश के बाद ये घर बना दिए गए हैं। ये ताला है लेकिन आगे भी और मकान बने हुए हैं, और देखिए बिल्कुल लोहे की टीन से बनाए गए हैं ये मकान, लोहे की टीन है ये, आप अंदर देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी रहने के प्रबंध है। बकायदा CFL भी यहाँ पर जलाई जा रही है, और कोई दिक्कत यहाँ पर इन लोगों को नहीं है। लोहे की टीन है तो अगर बरसात भी आएगी तो यहाँ पर पानी अंदर नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि TMC इनकी जो मदद कर रही है, लेकिन जब बीजेपी सरकार ये बात बोलती है कि भैया हम तो आवास देंगे, लेकिन आवास फिर तोड़वा दिए जाते हैं ट्रस्ट के नाम पर। लेकिन अब इन लोगों को जो इनकी मदद बनी है वो दीदी बनी है, और दीदी से कितना इनको स्नेह है, कितना प्यार है, वो आप देख सकते हैं। अंदर से आपको ज़रूर एक बार दिखाएंगे, जिस तरीके से ये मकान जो बना हुआ है ये रहने के लिए ठीक है। शायद आपको यहाँ पर इतना उजाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था इन लोगों की तरफ से बना दी गई है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि जिस तरीके से वो एक बार आपको दिखाएं। चलिए वो साइड में है, उधर से आना। चलिए ठीक है, अब दिखा दिया, इतना अंदेशा लोगों को हो गया है। लेकिन अब ये आखिरी सवाल, आने वाले समय में वोट किसको? टीएमसी को मिलेगा, जोड़ा फूल को, ममता बनर्जी को, बांग्ला मेक इन बांग्ला चाय। सुनिए, हम लोग इन लोग को देखे थे रात में आकर 9 बजे, लोग सब गंगा घाट में सो रहा था। अब अपना वार्ड प्रेसिडेंट से बोले, MLA से MLA, हम लोग को परमिशन दिया, पांडे जी बोले कि जल्दी आप एक लोगों का व्यवस्था करना पड़ेगा। हम थे बंगाली भाई, हम श्याम नारायण सिंह जो सीनियर लीडर है, उनका परमिशन से हम विजय भाई पांडे, बलराम पांडे से मिल के, ब्रजेश मिश्रा से मिल के हम लोग इनको पूरा बसाए। बगल में फूल घाट है, फूल कटरा में 2 बरस पहले आग लगी थी, ममता बनर्जी सारी रात खड़ी होकर इन लोगों के बीच सहारा बनी। उस समय कोई भाजपा का नेता आया? किसी भाजपा का कोई रहनुमा आया? कोई नहीं आया। तो जिस तरीके से आपने सुना, जिस तरीके से आपने सुना कि अगर यहाँ पर कोई परेशानी हो जाती है तो दीदी खुद ब खुद सड़क पर आ जाती हैं और इन लोगों की मदद करने को वो तैयार हो जाती हैं। अब बहुत जल्द चुनाव नज़दीक आ गया है, लेकिन वोट किसको दिया जाएगा इन लोगों ने बता दिया है। और बीजेपी का जब मैंने सवाल पूछा तो वे लोग आक्रोशित हो गए कि बीजेपी हमको यहाँ पर चाहिए ही नहीं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, आगे लगातार आप हमारे साथ बने रहें, कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा मैं। नमस्कार।